मैं भी दिख रहा हूँ लेकिन, और मोबाइल भी दिख रहा है। ये लफड़ा है साला, ऐसा कैसे, नहीं रुक हो जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉक्स विद पम्मी, और आप सभी को शीतलाष्टमी की हार्दिक बधाई। बहुत सारे जगह शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, हमारा भी मनाया जाता है। कल रात में हम लोगों ने पूरा भोजन बना लिया था, मतलब मैंने पूरा भोजन बना लिया था। अभी मैं पहले जा रही हूँ, कभी करूंगी, उसके बाद हाथ वगैरह धो के नहा के आ चुकी हूँ, घर की पूजा करूंगी, घर में भोग लगाएंगे, उसके बाद चलेंगे शीतला माता के मंदिर, भावे भैया को पूरा भोग लगाएंगे, और मैं तो दही चावल जरूर लेके जाएंगे, दही लेके जाएंगे उनके चरण धुलाने के लिए। पता नहीं कोरोना काल में धुलाने मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन अगर मिल गया तो फिर करेंगे, उससे ज़्यादा सौभाग्य क्या बात है। बाकी जितने भी लोग शीतलाष्टमी का व्रत या पूजा अपने घर में रखते हैं, उनको भी और बाकी सभी सब्सक्राइबर्स को भी इस त्यौहार की हार्दिक बधाई। शीतला मैया सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हम पे भी बनाए रखे, हमारे बच्चों पे बनाए रखे, मेरे मम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली और आप सभी पे बनाए रखे। बस अब फटाफट मैं तैयार हो जाती हूँ, कंघी कर लेती हूँ। आप सब अच्छे खैरियत से, मैं अक्सर भूल जाती हूँ तो फिर एंड में बोलती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पूछना नहीं चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है व्लॉग एड हो जाता है और फिर मैं सोचते रहती हूँ, अरे मैंने सब पूछा ही नहीं कि वो कैसे है। तो चलिए अब मैं फॉर्म करने के बाद फटाफट पूजा करूंगी, उसके बाद चलते हैं मंदिर, आप लोगों को भी लेके चलेंगे शीतला माता के दर्शन कराने। ये रहा हमारा फाइनल लुक, आज मैंने ये वाली इयरिंग पहने हैं, फर्स्ट टाइम पहने हैं। सीटू कोरा छोड़ पे लेके आए थे ना, आपको दिखाए थे, ये देखिए। मेरे पास ज़्यादा ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज नहीं है, मेरे पास ज़्यादा गोल्ड भी, गोल्ड ज़्यादा क्या, मेरे पास गोल्ड है ही नहीं, मेरे पास गोल्ड बिल्कुल भी नहीं है। और सब कुछ आर्टिफिशियल ही है, और ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज मुझे बहुत पसंद है, बट थी नहीं, कोरा छोड़ में सीटू लाए थे। तो बस ये अब इसकी फॉर्म बाकी है, ये देखिए इसके बाल पूरे। इसको हमने आज फिर से पिंक टी शर्ट पहना दी, ऐसा नहीं है कि हम दूसरी पहनाना नहीं चाहते थे, इसका दिल आया हुआ है पिंक टी शर्ट पे, कंफर्ट रहती तो बोलता वही पहनाओ तो वही पहना रहे हैं। जी आई, चलिए अब स्वीटू बुला रहे हैं, करती हूँ पूजा, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है जी। हाँ स्वीटू, हाँ चलिए अब पूजा कर लेती हूँ। पहले मैं भगवान जी को स्नान करा रही हूँ, सभी फ़ोटो को पोंछ के उनको माला वगैरह अर्पित करूँगी, टीका लगाऊँगी, उसके बाद फिर हम चौक पूर के शीतला माता का भोग चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, फिर हम जाएंगे मंदिर, घर की आरती पहले कर लेंगे। चौक को पूरने के बाद सबसे पहले मैंने पूजा का पीढ़ा स्थापित किया, उसके बाद जो नैवेद्य की भोजन की थाली थी वो रखी है। स्वीटू ने पान ला के दे दिए हैं, दो पान के ऊपर मैं सिक्का और सुपारी की गणेश जी रख के श्रीफल रखूँगी, नारियल, और फ्रूट में हमारे पास केला लेके आए हैं स्वीटू, केला रखेंगे। मोस्टली पूजा में केला यूज़ होता ही है, फ्रूट तो कोई भी यूज़ हो सकता है, तो अभी केला लेके आए हैं तो हम लोग केला ही रखेंगे। इसके बाद स्वीटू भी आ गए हैं, फिर नैवेद्य को उन्होंने चारों तरफ पानी घुमा दिया है ताकि भगवान भोग लगा सके, हल्दी को चढ़ा दिया है, अब हम करने जा रहे हैं आरती। Shastra Mata, Maya Shastra Mata, Vidhi
ये रहा हमारी माता रानी का भोग, मीठी पूड़ी, गुड़ की सादी पूड़ी, गुलगुले मतलब अठवाई, 8 दही बड़े भी हैं, दही, चावल, चना। और ये रहा हमारा पूजा मंदिर। पूजा हो चुकी है, बस अब मंदिर निकलना है। बस पूजा होने के बाद फिर तो नारियल फोड़ रहे हैं ताकि भगवान जी को मुखी चढ़ा सके, फिर नारियल की मुखी चढ़ा देंगे, फिर हम निकलेंगे। केला हो गया, चुनरी हो गई, हाँ पत्ता हो गया, हाँ जी बॉक्स हो गए खाने के, हाँ जी हो गया, हाँ सब हो गया। फूल आ रहे, कपूर 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 नहीं हुआ बेटा, फूल दे रहे, मैं ला रहा हूँ बाकी फूल। और वो इसकी कंघी नहीं हुई, ये मेरे से नहीं करा पाएगा। मौसम चलते आया था भी, तो ना पैंट नहीं आ रही है। हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, हाईवे पे है मंदिर, बिल्कुल रोड पे ही है। ये देखिए पीछे अंदर राम मंदिर, शिव मंदिर भी है। और अब हम पूजा स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले स्वीटू माता रानी को जल अर्पित कर रहे हैं, फिर दही से उनके चरण धोएंगे, उसके बाद फिर जल अर्पित करेंगे। हम लोग भी देवर में भी जल अर्पित कर देंगे, उसके बाद माता रानी को कुमकुम चुनरी चढ़ाकर पूजा करेंगे। और यहाँ पे ना पता नहीं लोगों ने जब माता रानी को भोग लगाया, हम इतने मन से माता रानी को पूजते हैं, पूजा करते हैं, बट एटलीस्ट उनको भोग लगाते हैं अगर श्रद्धा से तो तरीके से लगाना चाहिए। वहीं उनके चरणों के नीचे लोगों ने चने की दाल पूरी सिर्फ फिकाई पड़ी हुई थी, मतलब सफाई से कुछ नहीं, एक प्लेट ले आते उसमें लगा देते, जिन्होंने भी लगाया होगा, बहुत सारे लोगों का भोग लग रहा था वहाँ पे। और हमारे पास मतलब जगह ही नहीं थी, पूरा माता रानी के चारों तरफ किसी तरीके से हम लोगों ने पानी से बहा के जगह बनाई, बट जगह नहीं थी। चाहते तो थाली ले जाके लोग लगा सकते थे, बट उनके चरणों के पास पूरा गीला करके रखा हुआ था। वहीं लोगों ने सब्जी डाल दी उनके चरणों में, वहीं पूड़ी डाल दी, मतलब तरीके से कुछ नहीं किया था। तो वो देख के थोड़ा बुरा लगा, तो मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए कि मतलब जिस भगवान को हम इतना पूजते हैं, एटलीस्ट ऐसा तो नहीं करना चाहिए उनके मंदिर पे। इसके बाद देव से जल अर्पित कराया है, मैया के चरण धुलवाए हैं, इसके बाद मैंने भी जल अर्पित किया है मैया को, उनके चरण धोए हैं। और मैया को ना उनके पाँव पड़ने का मतलब बहुत महत्व होता है, कि शीतला माता को जब भी जाए तो उनके पैर ज़रूर दबाएं, बहुत पुण्य मिलता है, मैया बहुत खुश होती है, बहुत आशीर्वाद देती है। इसके बाद मैया को मैंने हल्दी कुमकुम अर्पित किया है चरणों में और उनके माथे पर। इसके बाद मैया के लिए हम लोग छोटी सी चुनरी लेकर गए थे, मैया को चुनरी चढ़ा दी है। बिना चुनरी के सब कुछ बड़ा सुना सुना लग रहा था, चुनरी चढ़ाई तो बड़ा अच्छा लगा मन को। इसके बाद फिर माला लेके गए थे घर से, मैया को फूल माला अर्पित कर दी। उसके बाद स्वीटू ने भी मैया को कुमकुम हल्दी सब चढ़ा दिया और फिर हम लोगों ने भोग लगाया माता रानी को। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, कितने प्यारे दर्शन है मैया के, देखिए। हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद बस अब भोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग घर से 2-3 थर्माकोल की प्लेटें लेके गए थे ताकि उसमें अच्छे से खंड भी बने होते हैं और व्यवस्थित तरीके से मैया को सब चीज़ अलग अलग भोग भी लगाया जा सकता है। आम के ऊपर, केले के ऊपर। हाँ जी, तो हमारी थाली तैयार हो गई है प्रसाद की, भोग की। माता रानी को भोग लगा रही हूँ ताकि माता रानी भोग ग्रहण कर सके और हम भी घर जाके, क्योंकि जब तक माता रानी भोग ग्रहण नहीं करेंगी तो हम घर जाके भोजन नहीं कर पाएंगे। आज मतलब सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाते पीते हैं, जब तक मंदिर में आके माता रानी को दही सारा भोग नहीं अर्पित कर देते तब तक कुछ नहीं खाते हैं। घर जाके माता रानी को प्रसाद लेके उसके बाद ही हम ठंडे खाने से ही अपना व्रत खोलते हैं। यह माता रानी के पास कपूर जला दिया है इन्होंने,
इसके बाद ये नारियल के वो निकाल रहे हैं बूच नारियल फोड़ने के लिए, ताकि माता रानी को भी मुखी अर्पित करके हम लोग प्रसाद लेकर जा सकें घर। पर ये नारियल ना पावन हो गया था, कहते हैं ना जब पावन हो जाता है तो मैया सब सुन लेती है, तो ये नारियल पावन हो गया था, तो पूरा नारियल हमने वहीं माता रानी के पास चढ़ा दिया था। हलवे की रेसिपी तो मैंने आपसे होली में ही शेयर करी थी। देखिए हम लोग क्या ना ऐसी डेंस चटनी ही खाते हैं, कभी कभी पतली भी बना लेते हैं अगर बहुत ज़्यादा जल्दी हो, बिना प्लानिंग की चीज़ बन रही हो। कचौड़ियों के साथ थोड़ी पतली चल जाती है, बट दही बड़े वगैरह में तो डेंस ही खाते हैं हम लोग, ऐसी कंसिस्टेंसी रहती है इसकी। वैसे भी चटनी इसी को बोलते हैं, बाकी सब मोह माया है। नहीं, बाकी सब सौंठ है, सौंठ बोलते हैं, सौंठ है, सौंठ लोग। ये पूरे महीने की चटनी है हमारी, मैं ऐसे ये स्टोर करके रख लेती बना के फ्रिज में। इतनी गाढ़ी होती है कि चाशनी की तरह गिरे। हाँ जी, तो हम घर आ चुके हैं। अब घर आके अब हम भोजन ग्रहण करेंगे, मीठी गुड़ की पूड़ी, सादी पूड़ी, चने, गुलगुले और दही बड़े। ये हमारा भोजन आज का, शीतला मैया के व्रत का, प्रसाद का, और देव को आ गई है लालच। चलो खाते। हाँ जी, और एक चीज आपको बताना भूल गई थी, देव को ना ये ऐसी मौली बांधी थी हमने, ये मौली लेके जाते हैं माता रानी के पास, इसमें हल्दी लगा के अपने बच्चे के लिए अच्छी कामना करके मैया से मांग कर उसे बांधी जाती है हाथ में, तो ये देव को मौली बांधी थी। इस मौली का बहुत महत्व होता है शीतला माता के पूजा में। आप लोग देख के अंदर लगा सकते हैं कि हम कितने थक गए हैं। खाना क्या हो तो आपको दिखाई दिया है। आप लोगों को अब मैं प्रसाद ऐसे तो भेज नहीं सकती, हम लोग खा लेते हैं। और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, शीतला माता की पूजा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एटलीस्ट हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, हमारे रीति रिवाज है, उनके लिए तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, अगर हमारे लिए ना। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, बाकी एंड जी स्वीटो करेंगे, बाकी तो भी नारियल खाते हुए हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। सुबह से ये ग्रहण किया है, ये हमारा, पहला अन्न है समझ लो सुबह से। आज पानी के अलावा कुछ नहीं पिया, जब तक हम मंदिर में नहीं आ जाते ना भोग लगा के, घर पे तो लगा देते हैं, घर के बाद मंदिर, पहले घर की पूजा, घर में भोग लगाना, मंदिर जाना, मंदिर में भोग लगाना, वो सब करना, तब तक हम सिर्फ पानी पीने कोशिश करते हैं, वो भी कम पिए, ये नहीं कि पानी से पेट भर लें। तो हमारी बैटरी डीप डिस्चार्ज में जा चुकी है, हम वो झटके लगा के ठीक करना पड़ेगा। झटके के लिए हम ढेर सारा खाना खाएंगे, टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, तो हम कुछ नहीं खाए हैं, सबसे हम चाय के चसेड़ी हैं, जैसे नशेड़ी होते हैं ना, वैसे हम चसेड़ी हैं, नशा तो नहीं करते हम, चाय का नशा तो चसेड़ी बोलते हैं। सुबह की चाय चाहिए चाहिए, और सुबह की पहली चाय के समय में बिल्कुल भी हल्ला भी नहीं चाहिए। सीटू को पता है, शांत बैठ के सुबह की चाय पीती हूँ 15 मिनट तक। शीतला माता की जय हो। सॉरी, आज का ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज कमेंट कीजिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे सभी भाई बंधु जितने भी हैं, जान पहचान को नहीं जानता, मेरे पूरे देशवासी, प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो देश के बाहर भी हैं और अगर हमारा चैनल देखते हो तो हमें नहीं पता, जो बाहर है उनको हमारे रीति रिवाजों को बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, तो डीप में अगर देखना चाहते हैं, जो मेरे घर से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार से, वो सभी रिवाज आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बोलना यार, व्लॉग्स विद पम्मी, व्लॉग्स विद पम्मी। अब खाएंगे हम खाना, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी। आज तो ये भी भूखा हो गया, जय शीतला माता, बहुत भूखा हो गया। जो जय जय श्री राम, जय रब राखा, जय रब राखा, ओम नमो नारायण। आज दोनों हाथ से जय श्री राम।
भूख लग गई बेटा बहुत। नहीं देखा उसने पूछा दही बड़े का दीवाना है वो, और बहुत देर भूखा रह गया ना, सिर्फ सुबह से 2 कप दूध पिया और कुछ नहीं पिया। हम लोगों ने तो कुछ नहीं खाया, पर बच्चे को उतना नहीं करवा सकते, छोटा है वो अभी, तो उसको 2 बार दूध दिया था। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, जय शीतला मैया।